इस वीडियो में मैं सीरियस बातें करने वाला हूँ और सच्चाई वाली बातें करने वाला, तो इसमें व्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे भाई, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे और शेयरिंग तो बिल्कुल मिलेगी नहीं इंसान को। भैया पहाड़ के जो गरीब इंसान है जो होते हैं उसको अपनी औकात का पता चलता है कि हम लोग कुछ नहीं है। जिसको भैया लगता है कि मतलब मैं जो सीरियस बातें ये चाहिए मतलब बोरिंग ये बोर कर देगा करके आप लोग पहले चले जाइए वीडियो को, क्योंकि आधे स्किप करके देख के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आजकल के लोगों को ना पता है वीडियो कैसी पसंद है, गंदी बातें हो गई, गंदी वीडियोज हो गई, गाली गलौज वाली हो गई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं सर्विष्ट स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव बुरांसी से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भैया काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात करने वाला हूँ मैं और काफ़ी सच्चाई वाली बात करने वाला हूँ। तो जिसको भैया सबसे पहले मैं मतलब पहले ही बता देता हूँ, जिसको मतलब सच्चाई बिल्कुल पसंद नहीं है और सीरियस बातें पसंद नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो भैया सच्चाई जानना चाहता है, जिसको सच्चाई पसंद है और जो सीरियस बातें सुनता है भैया गौर से ध्यान से सुनता है, तो उन जैसे लोगों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो है, आपके लिए ज़रूरी है। तो आप लोग देखना ना गाइज, इस वीडियो में मैं सीरियस बातें करने वाला हूँ और सच्चाई वाली बातें करने वाला, तो इसमें व्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे भाई, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे और शेयरिंग तो बिल्कुल मिलेगी नहीं। और इसी वीडियो में देखना लोग कमेंट भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आजकल के लोगों को ना पता है वीडियो कैसी पसंद है, गंदी बातें हो गई, गंदी वीडियोज हो गई, गाली गलौच वाली हो गई, वही लड़का लड़की आपस में मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन करके मतलब चाहे गलत चाहे फेंक ही क्यों नहीं दिखा रहे, चाहे भले ही नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खाली क्रिएट करके मतलब दिखा रहे हैं, तो ये इस टाइप की चीज़ें पसंद होंगी आपस में। मतलब वो भाई उठ पटांग बातें करेंगे लड़के लड़कियाँ, इस टाइप की मतलब वीडियोस देखना लोगों को पसंद आती है, ठीक है। जहाँ पे कुछ मतलब अच्छी बातें हो रही हो या कुछ सही बातें हो रही हो ना, वो वीडियो लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वहाँ पे लोग ऐसा पता है कितना अपना मेंटल अपना थॉट जो मतलब कितना घुमा देते हैं, क्या ही मतलब ज्ञान पेल रहा है यार, क्या ही उठपटांग बातें बोल रहा है, अपने आप को जैसा मान रहा है, अपने आप को होशियार जैसा मान रहा है, इस टाइप की थिंकिंग निकाल देते हैं। क्योंकि उनकी जो सोचने की क्षमता होती है ना भाई, सोचने की क्षमता 100 मन से वो 1% या उससे भी कम होती है, ठीक है। लेकिन जो इंसान इस टाइप की बातों को सुनता है गौर से, क्या बातें कही गई हुई हैं, क्या कह रहा कहना चाह रहा है करके सुनता है ना, वो अपने आप में अच्छा होता है भाई, अपने आप में अच्छा होता है। मन से बोल रहा हूँ जो लास्ट तक आप लोग मेरी बातें सुनेंगे मैं क्या कहने वाला हूँ करके, आप लोग अपने खुद पे बहुत अच्छे हैं भाई, अपने दिल के अपने दिमाग के अपने सोच समझदारी के बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप ये सीरियस बातों को इन सच्ची बातों को सुन रहे हैं। जिसको भैया लगता है कि मतलब मैं जो सीरियस बातें ये चाहिए मतलब बोरिंग ये बोर कर देगा करके आप लोग पहले चले जाइए वीडियो को, क्योंकि आधे स्किप करके देख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ना आप लोग यार देखिए गंदी वीडियो शेयर करते हैं इंस्टाग्राम में एक दूसरे अपने फ्रेंड को अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, गंदी वीडियो उठपटांग वीडियो देखते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आज मैं आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिए, पूरा वॉच कर लीजिए और अपने 2-4 फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए यार, और अपने कमेंट करके मतलब बताइए भी क्या मतलब मैं जो बोलने वाला हूँ क्या वो सही कह रहा हूँ या फिर गलत कह रहा हूँ, ठीक है। तो आज की जो ये वीडियो है ना दोस्तों, ये भैया रिलेटेड है भू कानून से लेकर के, भू कानून जिसकी आप सुन रहे होंगे भैया काफ़ी ज़्यादा मांग हो रही है उत्तराखंड के अंदर में, लेकिन क्या मिल पा रहा है? नहीं, क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप जैसे हम जैसे लोगों की वजह से। कैसे मिलेगा भाई, क्यों मिलेगा? जब भैया कोई कदम उठाएगा उस चीज़ के पीछे, जब कोई बात करेगा तभी तो मिलेगा ना यार, ऐसे तो ना मिलेगा। उल्टा क्या कर रहे हैं ना लोग, कुछ ऐसे हरकतें कर दे रहे हैं जिनकी वजह से भैया उनको तो भू कानून जन्मों जन्मों तक का नहीं मिलेगा भाई। हकीकत बात बोल रहा हूँ मैं और सच्चाई बोल रहा हूँ, क्योंकि इंसान ना यहाँ का खुद नहीं चाहता है भैया भू कानून मिले करके उसको, तो क्या ही देगी भैया सरकार क्यों देगी भू कानून उसको, जब आदमी खुद ही नहीं चाहता है भू कानून। और इस चीज़ पे अपने एक सब्सक्राइबर ने भैया भी काफ़ी समय पहले जिस टाइम में मैं कुछ शायद मेरे ख्याल से चैलेंजिंग वगैरह वीडियो वगैरह बना रहा था, उस टाइम में मेरे को काफ़ी चैलेंज वगैरह भी मिल रहे थे अपने सब्सक्राइबर के अपने यूट्यूब फैमिली की तरफ से, जिनको मैं पूरा कर रहा था। उसी बीच में अपने एक भाई का भी अपने एक भाई जी का भी कमेंट आया हुआ था, जिनका नाम है राहुल सिंह बिष्ट, जो कि अपने पड़ोस के गांव से मतलब रहते बिलोंग करते हैं अपने शिलंग टांडी से। तो उन्होंने मेरे को कमेंट में बोला हुआ था कि सर भाई आप एक वीडियो भू कानून के ऊपर निकालिए करके। पहले तो मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी करीबन 2 से 2.5-3 महीना करीबन हो गया है तब से मैं इसके ऊपर पे वीडियो नहीं बना पाया,
जैसे कि हमारे पेड़, हमारे पहाड़ और हमारी धरती, हमारी जननी जहाँ पे हम लोग जन्मे हुए हैं भाई, हमारी जन्मस्थली जो हमारा पहाड़ है, भू कानून पूरा मतलब इनसे जुड़ करके जो पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदी नाले धरती अपनी ये जननी पूरा भू के ऊपर धरती के ऊपर जो कानून मतलब भाई लागू करने की मांग कर रहे, तो ये भू कानून हो गया पूरा। और बाकी क्यों ज़रूरी है, मेन मुद्दा जो है भू कानून वो तो ठीक है, हर किसी को मतलब इतना पता होगा भू कानून होता क्या करके, क्योंकि आजकल के समय में आप लोग देखिए ना दोस्तों, हमारे जो यहाँ पे भैया पहाड़ हैं, हमारे यहाँ के जो जंगल हैं, कितनी स्पीड में उन्होंने उनकी जो मतलब जंगलों का जो कटान होने लग गया, कितनी स्पीड में वो कटान होने लग गया है, और हमारे यहाँ की जो धरती है, हमारे यहाँ के जो पहाड़ हैं, उनका आप कटान देखिए कितनी तेज़ी से हो रहा है भैया। काफ़ी सारा जहाँ जहाँ पे काफ़ी घने जंगल थे, बढ़िया से मतलब भैया एक नेचर था अच्छा सा, वो पूरा ख़त्म हो चुका है मेरे आँखों देखे हाल, मतलब ये बातें हैं। बाकी तो मेरे से सीनियर जितने भी मतलब बड़े भाई लोग, चचा लोग, ताऊ लोग, बड़े बूबू जी लोग, कितने सारे लोग होंगे भैया, उन लोगों ने देखा होगा, उनके देखते देखते कितना चीज़ चेंज हो चुका है। और इस समय में देखिए आप शहरों में, क्या शहरों के हाल तो आप सभी लोगों को पता ही है भैया कि शहरों में क्या हाल है करके, बिल्कुल भी अभी के समय में जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है शहरों में, कहीं पे भी आप चले जाइए पाँव रखने तक की मतलब जगह नहीं है, पाँव रखने तक की। तो यही चीज़ें आप सोचो, अगर भैया यहाँ पहाड़ में अगर हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, ये हमारे जंगल वंगल कट जाएंगे, हमारी यहाँ की धरती, हमारे पहाड़ अगर कट जाएंगे तो क्या करेंगे फिर हम लोग। कुछ लोग होते हैं ना जिनको मतलब शहर चले जाते हैं जॉब वॉब करने के लिए, बट वहाँ जाके पता चलता है यार भाई क्या है, गर्मी है यहाँ पे, कितना क्राउड है यहाँ पे, मार्केट हम अच्छे से नहीं जा सकते हैं, अच्छे से पैर नहीं रख सकते, जनसंख्या भीड़ भड़ा का, ट्रेनों में निकलते हैं, बसों में निकलते हैं, चेपा चेप कोचा कोच में ना होता है ना ये चीज़। आप एक समय मतलब ऐसा भी आने वाला है ना गाइस, और ये हकीकत बात है, सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, सत्य पे आधारित मतलब बातें बोलूँगा मैं, उससे फालतू चीज़ें कोई भी नहीं बोलूँगा आपके सामने, सत्य पे आधारित है। एक समय ऐसा आएगा ना हम लोगों को, इस समय में देखिए हम लोग ना खुलेआम बिल्कुल जंगलों में जाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ काट के लाते हैं, पत्तियाँ लेके जाते हैं अपने जानवरों के लिए, और कहीं से भी हमको अगर मकान बनाने के लिए पत्थर की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ हम करते हैं, ठीक है, क्या है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है हमको, जंगल जाते हैं हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, हम लोग पत्तियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, लेके आते हैं घर में जलाने के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है ना दोस्तों, जिस समय में आपको ना आपके अपने ही जंगलों से ये पत्तियाँ लेने के लिए, ये लकड़ियाँ लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे भैया, क्योंकि ऐसा है, इस समय में बाहर का जो इंसान है, जो बाहर के लोग हैं, वो पहाड़ में घुसपैठियों की तरह मतलब घुसते जा रहे हैं, और हकीकत बात है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग बताइए, क्योंकि जगह जगह पे यहाँ पे लोगों ने ना ज़मीनें बेच दी अपनी, और सबसे ज़्यादा मतलब दिमाग से वीकनेस या फिर दिमाग से पैदल इंसान ना, मैं उसी को मानता हूँ भाई, जो अपनी इस धरातली को, अपनी इस भूमि को बेच रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग प्लॉटें बना दे रहे हैं, खोद खाद करके जेसीबी लगा दे रहे हैं, पेड़ वेड़ काट दे रहे हैं भाई, तो हमारा जंगल, तो हमारा पर्यावरण तो नष्ट हो रहा है ना, ख़त्म हो रहा है ना, ठीक है। एक आ रहा है वो दूसरे को लेके आ रहा है, ठीक है, बाहर के जो अमीर लोग होते हैं पैसे वाले, ठीक है, वो एक आ रहा है, एक देख रहा है तो अपने किसी पार्टनर को, दूसरे को भी लेके आ रहा है यहाँ पे, फिर उसको भी ज़मीन मतलब दिलवा रहा है वो, ठीक है, वो तीसरे को लेके आ रहा है, वो चौथे को लेके आ रहा है, दबदबा पूरा बाहर के लोगों का ही होते हुए जा रहा है यहाँ पे। जो पहाड़ का आदमी है ना, हम लोग कभी भी यहाँ से शहर को निकलते हैं, शहरों में देखिए शहर के लोग रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, कोई हम लोगों को पूछता है, कोई भी पूछता है, हम किसी से कुछ पूछते हैं उल्टा जवाब देंगे, ठीक है, बाहर आप शहरों को जाओगे, और वहाँ पे जाकर के इंसान को भैया पहाड़ के जो गरीब इंसान है जो होते हैं, उसको अपनी औकात का पता चलता है कि हम लोग कुछ नहीं है भाई, क्योंकि शहरों में जाकर के ना कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं भाई, ठीक है, हर कोई मतलब ठगता है एक पहाड़ी इंसान को, एक गरीब इंसान को हर कोई लूटना चाहता है, ठगना चाहता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही चीज़ अगर हमारे पहाड़ों में अगर बाहर से लोग आते हैं ना भाई, कितने प्यार से उनको नमस्कार बोलते हैं, उनसे बातें करते हैं, घर में आएंगे चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, खाना तक खिला देंगे, टूरिस्ट आता है उनको कितने प्यारे तरीके से घुमाते हैं यहाँ पे भाई, अगर देखा नहीं तो किसने घुमाते हैं, लेकिन पहाड़ के इंसान के लिए शहरों में ऐसा नहीं होता है भाई, हकीकत बात बोल रहा हूँ, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग बताइए, क्योंकि बहुत सारे हैं ना यार उदाहरण, बहुत सारे हैं पीछे को, हम लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं,
तो वही इंसान बाहर का भाई यहाँ आ रहा है, जैसे आप यहाँ से वहाँ जाते हो आप वैसे हरकतें करता है, वही इंसान यहाँ आएगा तो भाई अपने साथ साथ ही मतलब काफ़ी सारे लोगों को दोस्तों को लेके आएगा, तो ज़मीनें दिलवाएगा, अपने कॉटेज बनाएंगे, मकान बनाएंगे, आप धरती ज़मीन खरीदेंगे, जैसे भी चलाएंगे, कटान करेंगे, पेड़ों का कटान तो करेंगे, पर्यावरण नुकसान तो करेंगे, भूमि को नुकसान तो पहुँचाएंगे, साथ में यहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि पैसे वाले लोगों का वो होता है ना यार, आने वाले समय में वो सरकार ठेके चलेंगे भाई, ये ज़मीन, ये लकड़ियाँ पत्तियाँ इनके भी ठेके चलेंगे, ठेके के तौर पे वो लोग बेचेंगे फिर इन लकड़ियों को पत्तियों को, और पहाड़ का इंसान इतना मजबूत हो जाएगा ना उस समय में भाई, मजबूरन में उसको भैया खरीदने पड़ेंगे, जो इस समय में प्रकृति हमको फ्री में दे रही है, ये नेचर हमको फ्री में दे रहा है, लकड़ियाँ पत्थर वगैरह और ये जो चीज़ भी हैं अपने हमको प्रकृति से मिलती हैं, फ्री में मिलती हैं, इन चीज़ों के भैया पैसे देगा इंसान, और उस समय में रोएगा, हकीकत बात है उस समय में रोएगा, पछताएगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए दोस्तों भैया भू कानून की मांग बहुत ज़रूरी है, हमको भैया भू कानून की मतलब मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको मत आने दो भाई। हाँ ठीक है, ये चीज़ ठीक है कि बाहर का इंसान भाई छुट्टियों में जैसे टूरिस्ट आते घूमने के लिए सही है, आइए घूमिए देखिए धरती को, और साथ ही मैंने इतनी जगह पर गया ये चीज़ भी मतलब नोटिस करके ये चीज़ भी देखी हुई है ना, बाहर से लोग आते हैं दारू बियर सिगरेट नमकीन कुरकुरे वगैरह ये चीज़ आ करके पहाड़ों में हमारे यहाँ पे पार्टी वार्टी करेंगे, और वही चीज़ उस जगह पे फेंक करके चले जाते हैं, पूरा मतलब गंदगी करके चले जाते हैं, ये हमारी धरातल है भाई, हमारी भूमि है, ये नेचर है हमारा, आप लोग यहाँ पे आकर ऐसे गंदगी करेंगे तो ऐसे मतलब सिगरेट दारू बियर ये इन चीज़ों की मतलब भाई इन चीज़ों को ऐसे फेंक के चले जाएंगे तो क्या होगा, उससे भी प्रकृति ख़त्म ही होगी, खराब ही होगी, नेचर पूरा खराब ही होगा। होते हैं, हर कोई नहीं होते, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% में से ना कुछ मतलब भाई 10-20% ऐसे लोग होते हैं ऊट पटांग टाइप के, उद्दंड टाइप के, जो मतलब भाई कहीं पे भी जाते ना अपनी जैसी दिखा के आ जाते हैं, तो वही चीज़ होता है चाहे बाहर से हो, पहाड़ों में होते हैं ऐसे लोग, पहाड़ों में भी होते हैं कुछ परसेंट भैया ऐसा करने वाले पहाड़ों में भी होते हैं, और शहरों में हर जगह पे, ये ज़रूरी ये नहीं है कि शहरों पर ही होते हैं यहाँ पे ही होते हैं करके, दोनों जगह पर होते हैं इस टाइप के लोग, उससे हमारी प्रकृति ख़त्म होती है, नष्ट होती है, तो वो लोग आते तो ये सब चीज़ करके जाते हैं भाई, आप लोग ये चीज़ करके जा रहे हो, गंदगी करके जा रहे हो हमारे पहाड़ों में, अब आप ये लगाइए वो लोग तो करके चले जाएंगे, वो एक बार आ रहे हैं अपनी मस्ती मौज मस्ती करके पार्टी शार्टी करके चले जा रहे हैं, उसके बाद उनके बाद अगर भाई वो अगर जैसे ग्रुप में आ रहे हैं ना 7-8 लड़के आ रहे हैं कोई भी बाहर से घूमने, दारू सिगरेट बीड़ी सब बोतल फेंक के चले जाएंगे वहाँ पे, अब उनके बाद अगर बाई चांस मान लो वो लोग फेंक के चले गए 2-3-4 दिन के बाद भाई कोई फैमिली वाला बंदा आ रहा है बाहर से, कोई अच्छा समझदार इंसान आ रहा है, फैमिली वाला बंदा आ रहा है घूमने के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ अगर देखेगा, वो शरीफ बंदा है, वो चीज़ अगर उस चीज़ को देखेगा तो भाई ऐसा कर रखा है यहाँ पे गंदगी वंदगी करके, तो एक हमारे यहाँ से क्या मैसेज लेके जाएगा वो अपने वहाँ पे, ये लगाइए आप, सोचने वाली बात है वैसे, ठीक है, ये कोई शहर वालों के लिए नहीं, कोई पहाड़ वालों के लिए नहीं, हर किसी इंसान के लिए मतलब है भैया, जो सच्चाई है तभी मैं बोल रहा था भैया, अगर आपको सच्चाई अगर सुननी पसंद नहीं है तो, क्योंकि ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है भाई क्या ही ज्ञान पेल लिया करके, लेकिन जो भाई हकीकत होती ना, सच बात बता रहा हूँ, जो हकीकत बात होती है सच्चाई होती है वो इंसान को चुभती है भैया यहाँ पे दिल पे, तीर की तरह चुभती है, हकीकत बात है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर कोई मेरे को मेरी सच्चाई अगर बताएगा ना मेरे को भैया खुद चुभेंगी बातें, तो भाई आने वाले समय में हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, यहाँ के लोग ना सबसे ज़्यादा पागल यार अपनी धरतियाँ वगैरह बेच देते हैं भाई, क्या करोगे तुम बेच करके यार, इतनी क्या आफत आ पड़ी है तुमको यार, जो अपनी मतलब भूमि बेच रहे हो तुम भाई, मैं 100% में से कुछ परसेंट केसेस ऐसे मानता हूँ ना गाइज, जो कि भैया किसी के लिए चलो मजबूरी होती है भैया ये ज़मीन बेचने की, बाई चांस जैसे कि किसी की फैमिली में भैया किसी की डेथ हो जाती है, या फिर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाता है, उसमें लाखों रुपये खर्च करते हैं, मतलब हमारे पहाड़ के इंसान के पास, गरीब इंसान है यार पहाड़ का भाई, शहरों की तरह हमारे पास नहीं है यार भाई साहब, हमारे पास नहीं है भाई पैसा, पहाड़ के इंसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लाखों रुपये लगा सके, तो उस इंसान के लिए भाई चलो उसका मैं मानता हूँ भाई, जिसका घर में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो भाई मजबूरन में कोई बड़ा केस हो जाता है तो उस पर लाखों रुपये चाहिए, तो इस इंसान को मजबूरी में भैया बेचना पड़ता है करके अपनी ज़मीन अपनी कुछ बेचनी पड़ती है, ये भी नहीं है पूरा बेच दो करके, जितने से आपका भाई हो सकता है कि इसका इलाज हो सकता है करके उतना, चलो मैं उस इंसान की मजबूरी तो मैं मानता हूँ कि वो इंसान मजबूरी में मतलब बेचता है ज़मीन अपनी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं ना पहाड़ों में, ऐसे भी पागल लोग हैं, ऐसे भी दिमाग से पैदल लोग हैं, जिनको भैया अपने शौक पूरे करने के लिए ज़मीनें बेचते हैं, आप सोचिए इससे बड़ा
क्या बोलूँ मैं, शब्द ऐसे आ रहे हैं माइंड पे, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी खुद अपनी वाणी को भाई मतलब भाई ऐसा अशुद्ध नहीं करना चाहता हूँ। मतलब ऐसे भी पागल लोग होते जो अपने शौक, उसने कहा मेरे को भाई गाड़ी लेनी है, ठीक है, मेरे को घूमना है, ठीक है, मेरे को भाई महंगे कपड़े पहनने हैं, या फिर मेरे को ये करना है वो करना है, ठीक, मेरे को बड़ी VIP टाइप की शादी करनी है। इस वजह से मतलब कोई ऐसे भी लोग हैं इस वजह से अपनी धरती को बेच रहे हैं। सबसे बड़ा पागल इंसान तो वही है ना, जरूरी है क्या? आप लगाइए, इतनी क्या मजबूरी हो चुकी है जो मतलब बेच रहे हैं आप? भगवान ने आपको मकान दे रखा है रहने के लिए, कपड़े दे रखे हैं भैया बदन में पहनने के लिए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं ना भगवान, उससे ज़्यादा मतलब इतनी क्या आन पड़ी भैया आपकी लाइफ में, मतलब जो आपको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी है बाहर के इंसान को, ताकि वो आकर के आप दबदबा करे करके आपके ऊपर, आपकी धरती के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, आपके ऊपर, साथ ही में आपके अगल बगल जो लोग हैं उनके ऊपर। होता है ऐसा भी, और आपको पता है नहीं, बाहर का इंसान आता है तो आपकी ज़मीनें लेता है ना, आप बेचोगे वहाँ पे 1 नाली 1 एकड़ बेचोगे, लेकिन होता क्या है, एक बात बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताने क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। काफ़ी केसेस भाई यार, इतनी एज मेरी भी हो चुकी है, इतना मतलब मैं भी देख चुका, इतना मैं भी समझ चुका हूँ कि समाज में क्या चल रहा है, क्या चलता है करके। तो क्या होता है ना, बाहर का आदमी आएगा आपके यहाँ पे, आप ज़मीन बेच रहे हैं ना अपने शौक के तौर पे, गाड़ी लेनी है करके, ठीक, घूमना है करके, शौक के तौर पे आप 1 नाली ज़मीन, आप तो बोलते हैं मेरे पास तो बहुत ज़मीन है भाई, 1 नाली बेच देता हूँ थोड़ा पैसा आ जाएगा गाड़ी ले लूँगा, बोलते हो ना, 1 नाली ज़मीन बेचोगे आप, 1 एकड़ 1 नाली ज़मीन बेचोगे, फिर वो आदमी आएगा वहाँ पे, ठीक है, आने के बाद क्या होता है ना, 1 नाली तो आप बेचोगे, वो आपकी 1.5 नाली या 2 नाली तक का कब्जा कर लेता है। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बताना आप लोग, ठीक है, 1 नाली आप रजिस्ट्री उसको करोगे, 1.5 नाली या 2 नाली तक का वो आपके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, और उसके बाद क्या होता है, आप उसको छोड़ने के लिए बोलते हो ना, भाई साहब बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई उस आदमी के लिए। उसके बाद वो 1.5 से 2 नाली ज़मीन कब्जा करेगा, बोलेगा रजिस्ट्री हो रखी है, मैंने खरीद रखी है ये ज़मीन, आपको पता है ना आपने नहीं बेच रखी हो, क्या कर लोगे आप, क्या कर लेंगे हम लोग, जैसे क्या करेंगे, केस करेंगे उसके ऊपर कि भाई 1 नाली की रजिस्ट्री हो रखी है और इसने 1.5 या 2 नाली हथिया लिया करके, कब्जा कर लिया करके, हम लोग केस करेंगे क्या? आपको क्या लगता है हम केस जीत सकते हैं? जो पहाड़ का आदमी है, पहाड़ का इंसान है, गरीब आदमी है, जो भैया अपने खाने के लिए भी बड़ी मेहनत करता है अपने खेतों में, तो वो आदमी भैया लाखों रुपये लगा करके केस जीत सकता है, आपको लगता है क्या? जो इंसान बाहर से आकर जिसने आपकी ज़मीन खरीदी ना, उसके बाद भाई साहब लाखों करोड़ों पैसे इसलिए आपकी ज़मीन खरीद रखी है, हमारे पास नहीं है, हम जो नहीं खरीदते हैं दूसरी जगह पे जा करके, आप जो नहीं खरीदे हो, ठीक है, आप उसके ऊपर केस भी करोगे ना। और अभी का समय है भैया भ्रष्टाचार का, रिश्वतखोरी का, ठीक है, वो आदमी भैया सरकारी अफसर को 1-2 लाख पैसे खिला करके सब सेटलमेंट कर लेगा अपना, और हम लोग नहीं लगा सकते भैया केस, हम कर भी लेंगे तो वो अपने केस को जीतने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, हमारे पास हैं क्या इतने पैसे? नहीं लगा सकते, हारना तो हमने है ही केस, ऊपर से वो 1-2 लाख रुपए भैया सरकारी अफसर को इनको खिलाएगा, उसका मैटर सुलझ जाएगा, हमारे हाथ से जितनी हमने बेच रखी है वो तो बेच रखी है, साथ में जितने पे कब्जा कर रखा है वो भी जाएगी 100%। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए, ऐसे केसेस काफ़ी हो चुके हैं पहाड़ों में यार, अभी मैं भी खुद देखता हूँ भाई, तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ गाइस आप लोगों को भाई, अभी भी आप लोग देखिए माइंड से, अपने दिमाग से सोचिए यार, जहाँ पे भैया आप, मैं मतलब क्या कहूँ आपको, मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भैया, हमारे इस पहाड़ को, हमारी धरती को, हमारे इन जंगल को बचा लीजिए भाई, अपनी धरती मत बेचिए यार, अपनी ज़मीन मत बेचिए यार, आप लोग बाहर के इंसान को यहाँ के दबदबा मत करने दीजिए। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि भाई हम लोग तो मतलब भाई बेच बाच करके खा करके जी जा करके चले जाएंगे, भाई हमारी जब हमारी अभी हमारी औकात नहीं है कि भाई हम मतलब 2-4 मुट्ठी ज़मीन खरीद सके कहीं पे, तो आप लोग क्या सोचते हैं हम लोग बेच देंगे तो पीछे जो आने वाली पीढ़ी है भैया वो क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी भाई? एक तरीके से सोचिए यार, आपके जो मतलब पीछे से आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, पीछे की पीढ़ी है, वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे यार वो लोग? भाई जब हमारी अभी इस वक्त हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम लोग कहीं पे 2-4 मुट्ठी भाई ज़मीन खरीद सकें, तो पीछे को आने वाले मिट्टी के ज़मीन के रेट तो भाई बढ़ते में ही है ना दिन प्रतिदिन, तो वो लोग उस वक्त क्या करेंगे, वो लोग कैसे खरीद पाएंगे भाई?
अपने खाने के लिए, अपने कुछ कमाने के लिए भाई जमीन कैसे खरीद पाएंगे? ये चीज इंसान ने समझना चाहिए यार, जहाँ पे भाई बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाती है ना, कि जहाँ पे आपको लगता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया या घर का कोई सदस्य बीमार, भाई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, उसका ऑपरेशन हो रहा है हॉस्पिटल में करके, पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इन कुछ केसेस में, कुछ परसेंट केसेस में, 1-2% केसेस में मैं मानता हूँ भाई थोड़ा बहुत जमीन आदमी को मजबूरी में बेचनी पड़ती है भाई, अब क्या कर सकता है यार, पैसे लाएगा कहाँ से, चलो वहाँ पे मैं मानता हूँ। बट भाई यार 700 इन चीज़ों के लिए फालतू भाई बहुत गलत करते हो यार, अपने लिए मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हो गया यार। जो पैसा ना आप जमीन से लेते हो, आप कितने में बेच दोगे, जैसे 10-20 लाख, 30 लाख, 40-50 लाख, यार क्या पैसा, पैसा ही जिंदगी है क्या भाई, पैसा ही जिंदगी है क्या? हम अपनी धरती को यार, सबसे पहले तो धरती को बेचता कौन है यार, किसकी है भाई ये धरती, किसकी है मिट्टी है, ये भूमि है यार, ये धरती माता है, हम अपनी माता को, अपनी धरती माता को इसको बेचते हैं यार, बड़ी शर्म की बात है भाई, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे यार भाई। लास्ट में हमने वैसे भी ऊपर जाना है भैया, कितना खा लेंगे यार हम लोग भी भाई, बेच बाज करके इस धरती को, बेच बाज करके कितना खा लेंगे, आप लोग खुद सोचिए, एक तरीके से खुद सोचिए आप, इसी से हम लोग कमाते हैं, कमा करके खाते हैं, आज तक खाया हो क्या हमने, उसके बाद आदमी इसी को बेच देगा तो भाई बड़ा, एक तरीके से सोचिए यार आप, मतलब अगर सच्चे मन से ना, अगर आप सच्चे मन वाले हो, सच्चे दिल वाले हो, तो आप लोगों को मतलब लगेगा, एक तरीके से सोचोगे तो अजीब सा थोड़ा बुरा सा लगेगा यार, कि वाकई में भाई हम लोग कुछ गलत करते हैं करके, गलतियाँ तो बहुत करते हैं भाई हम लोग, बहुत अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, बट इंसान वही होता है भैया जो अपनी गलतियों से ना कुछ सीखता है, क्योंकि इस समय में इंसानियत तो बिल्कुल भी रह नहीं चुकी है, वो हर कोई जानता है, हर कोई भाई, हर किसी को पता है इंसानियत ख़त्म हो चुकी है धरती से। अगर हम लोग यहाँ पे भगवान ने हमको देखे, हम एक भगवान के अंश हैं, हम कोई मामूली इंसान नहीं है भाई, एक तरीके से सोचिए आप, हमारी ये बाहर की जो बॉडी ने यहाँ पे आने के बाद मिली है हमको, लेकिन अंदर जो हमारी आत्मा है वो तो भगवान की है ना भाई, भगवान ने वो आत्मा डाल रखी है हमारे शरीर के अंदर, तभी तो हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हम लोग बातें कर सकते हैं, ठीक है, एक अंश है। तो हमारे अगर कर्म, भगवान ने हमको अच्छे कर्म के लिए भेजा हुआ है, तो कर्म अच्छे होने चाहिए, गलत कर्मों का गलत फल भाई परिणाम मिलता ही है लास्ट में पूरे, अगर जिंदगी भर लाइफ भर अगर नहीं भी मिलता है ना, लास्ट में जिस वक्त इंसान को धरती से जाना पड़ता है ना भगवान के पास, उस वक्त उसके कर्मों का पूरा भैया परिणाम सब लेखा जोखा सब निकलता है, कि इसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, उस हिसाब से वहाँ पे जाकर के भाई बुरे कर्म होंगे ना, तेल की कढ़ाई में तल करके, मतलब इतना बुरे तरीके से हमारी अंदर की आत्मा इतना डजाएंगे उसको तेल में, इतना मतलब भाई इतना पीड़ा दर्द होगा ना, जितना पूरे संसार में यहाँ पे मतलब नहीं होता ना, उससे ज़्यादा पीड़ा वहाँ पे मिलेगी भाई, उस धर्म घर पे मतलब उस धर्म घर पे भाई मतलब सबसे ज़्यादा पीड़ा मिलेगी, कर्म यहाँ बेकार होंगे तो, और यहाँ अगर कर्म अच्छे होंगे तो वहाँ पे भाई साहब आपको इस तरीके से मतलब स्वागत करेंगे ना, बहुत बढ़िया तरीके। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ना अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ब्लॉग के इस वीडियो के माध्यम से, देखिए ये बातें शेयर कर रहा हूँ, ये बातें बता रहा हूँ, इसमें कुछ लोग ऐसे भी मतलब होंगे ना, ऐसा सोचने वाले भी होंगे कि भाई तेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा करके, तो वीडियो में ये सब चीज़ें बोल रहे हैं तो क्या होगा करके, इससे क्या हो जाएगा करके, मैं भी यही बोल रहा हूँ भाई, मैं भी यही चीज़ बोल रहा हूँ, जो ये कुछ परसेंट आप लोग सोच रहे हैं ना कि मतलब तेरे बोलने से भाई क्या हो जाएगा करके, वही चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ यार, मेरे बोलने से क्या होगा भाई, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा यार, आप लोगों को भी मतलब भाई इस चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी कदम उठाना पड़ेगा भाई, कोई एक इंसान कुछ नहीं कर सकता यार, कुछ नहीं उखाड़ सकता भाई एक इंसान, मैं तो यूट्यूब पे मतलब काम करता हूँ, वीडियो व्लॉग बनाता हूँ, एक सोशल इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं मतलब ये बातें शेयर कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर हैं, कुछ ऑडियंस है, तो इसलिए मतलब मैं ये बातें बोल रहा हूँ, ताकि मेरी बातें जो हैं और लोगों तक पहुँच जाए करके, और लोगों तक पहुँच जाए तो वो लोग भी कुछ सोचें हमारे पर्यावरण के बारे में, हमारे पहाड़ के बारे में, हमारी धरती के बारे में, ये चीज़ है, इसलिए मैं ये बातें रख रहा हूँ, बाकी मेरे एक के बोलने से, एक के कुछ करने से कुछ नहीं होगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, एक अकेला, या आप मतलब एक अकेला कुछ नहीं कर सकते हो, उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, एकता में बहुत बल होता है, बहुत ताकत होती है बोलते हैं यार, तो इसलिए हर किसी मतलब पहाड़ी इंसान को, हर किसी उत्तराखंड वासी को, हर किसी आदमी को भाई ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कि जिस तरीके से बाहर का आदमी आ रहा है यहाँ पे, ज़मीनें खरीद रहा है, पूरा भूकटान हो रहा है, लोग भी अपने जो पंचायतें हैं, अपनी पंचायतों में नहीं मानते, अपने सरपंच हो गए या फिर जो पंच लोग होते हैं उनके सरपंच के साथ में,
तो किसी की मतलब नहीं मानते हैं लोग। आप यार नहीं मानोगे तो उसका भैया जो परिणाम है आपको भुगतना पड़ेगा बाद में। इस समय अगर वो मना कर रहा है तो अभी आजकल के टाइम में देखिए, आजकल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा घास हो चुकी है, हरा भरा हो चुका है, मैदान हरे भरे हो चुके हैं, खेतों में घास हो चुके हैं। इस टाइम में जंगल से बांझ बांझ वगैरह काटने की ज़रूरत ही मतलब क्या ही है भाई, क्या है, क्योंकि इस समय में हो चुकी है ना घास। जिस समय में बिल्कुल भी घास नहीं होती उस समय में मानते हैं कि मजबूरी गाय पालने के लिए थोड़ा बहुत आदमी लोग काट देते हैं करते हैं, लेकिन जिस समय में है भाई, जिस समय में धरती उपलब्ध करा दी है यार, उस समय में तो छोड़ दो भाई। इसलिए यार भू कानून की बात हो रही है तो भाई भू कानून मतलब जरूरी है बहुत जल्दी, इसकी मतलब मांगना आप लोग भाई आवाज़ उठाइए और गवर्नमेंट से सरकार से इसकी मांग कीजिए, भू कानून बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय में ना हम लोग भैया बिल्कुल भी नहीं रह सकेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाहर का आदमी आएगा तो उसका ही दबदबा हो जाएगा। हमको अपने जंगल भी मतलब भाई जाने में मतलब कदम भी रखेंगे ना, उसके लिए भी एंट्री फीस पूरी बाउंड्री हो जाएगी भाई, जंगलों में बाउंड्री हो जाएगी, एंट्री फीस 100-200 रुपये पहले जंगल जाने की एंट्री फीस लोगे, फिर जितनी मतलब पत्तियां या लकड़ियां काट के लाओगे उसकी फीस जमा करोगे, तब जा करके अपने घर में लेकर के आ सकते हो। और ये 100% होगा, अगर भू कानून अगर नहीं मिला हमको तो ये 100% होके रहेगा भाई, आने वाले समय में ये चीज़ होगा ही। और अभी आप लोग सोच रहे कि हम लोग तो मजे से ऐसे चले जाएंगे करके, लेकिन आपके बच्चों को, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उनके लिए आप लोग गड्ढे खोद करके जा रहे हो, गड्ढे खोद करके, हकीकत बात है ये, ठीक है। पीढ़ियाँ तो आपकी हैं यार, उनके लिए अच्छा करके जाओगे तो अच्छा ही बोलेंगे वो भी। काफ़ी समय समय इस बारे में बात करना चाह रहा था लेकिन बात नहीं हो पाई, कोशिश पूरी रख रहा हूँ कि मैं डेली कंटेंट आ पाए करके, बट डेली वही चीज़ होती है कि डेली एक कंटेंट क्रिएटर आप लोगों को जैसे कि लगता है वीडियो उनके सामने लेकिन फिर भी नहीं देखते हैं भाई, 10 दिन 20 दिन या फिर 1 महीना कंटिन्यू डेली का अपना एक कॉन्टेंट ढूंढ करके, कॉन्टेंट बना के उसको रात भर भाई एडिट करके, एक एक क्लिप एक एक चीज़ें हो करके फिर यूट्यूब पर अपलोड करना, फिर देखना उसमें ये चीज़ें करके देखना, जरा बहुत टफ होता है भाई, बहुत टफ। जब भी वीडियो पड़ जाती है ना, वीडियो देखने में ठीक ठाक लगता है, उसके बावजूद भी लोग स्किप कर देते हैं, वीडियो को पूरा अच्छे से देखते नहीं कि भाई आखिर क्या चीज़ समझा रहा है, क्या चीज़ बता रहा है करके, ठीक है। हो सकता है ब्लॉगों में वीडियोज़ में मतलब लोग कहीं पर फ़नी मोमेंट भी डालते हैं, कहीं पर समझदारी सीखने वाली चीज़ें भी डालते हैं, ज़रूरी है यार अपडेट, हर कोई चीज़ आनी चाहिए। कभी मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कहीं पे मैं सीरियस बातें भी बोलता हूँ, कहीं पे मैं एकदम फनी मोमेंट भी कर देता हूँ, कहीं पे पागलपंती टाइप की भी कर देता हूँ और कहीं पे कॉमेडी भी करता हूँ। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, तब जाके देखने वाले थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का, हाँ यहाँ पे कॉमेडी भी आ रही है, यहाँ पे वो चीज़ भी आ रही है करके, ज़रूरी है। तो बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में, आप लोगों का सिर्फ इतना ही काम होता है यार कि वीडियो को वॉच करना, बाकी लाइक कमेंट आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी वीडियो में, क्या चीज़ बुरी लगी उस हिसाब से कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और बाकी आपका काम बस शेयर करने का यार, इससे ज़्यादा भाई एक ब्लॉगर या फिर एक यूट्यूब या फिर एक वीडियो क्रिएटर और कुछ नहीं मांगता भाई, अपने जनता से, अपने लोगों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से और कुछ नहीं मांगता है। ये नहीं बोलता है कि भाई आप लोग मेरे को भाई इतने पैसे दे दो करके मेरे को नीड है, या फिर ये चीज़ आप कर दो करके मेरा काम ये नीड है करके, ये चीज़ कुछ नहीं मांगता भाई। हम लोगों को पता है जितना ना स्टार्टिंग में एक यूट्यूबर को, एक ब्लॉगर को इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई, हम लोग घूमने के लिए एक जगह भी अगर घूमने के लिए बाई चांस एक दिन के लिए चले गए ना, तो वहाँ पर भाई 1000-1500 रुपये कहीं नहीं जाते हैं, खर्चा अपना खर्चा बता रहे हैं। एक कॉन्टेंट बनाने के लिए आप लोग लगाइए 1000-1500 कहीं नहीं जाते, उस पर भी व्यूज कैसे आते हैं 200-250-300 व्यूज, लोग देखते ही नहीं है, शेयर करते ही नहीं है भाई, जितना मतलब वो उस वीडियो से रिवेन्यू नहीं कमा पाता है उससे ज़्यादा तो 10-20 गुना ज़्यादा उसका खर्चा होता है भाई एक दिन का, यही होता है यार। बाकी भाई क्या ही बोले इस बारे में ज़्यादा, आप लोग बस इस वीडियो को शेयर करना, और भू कानून की बात रही तो भू कानून आप लोग भी आवाज़ उठाइए और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों से मैं केवल इतना सपोर्ट मांगता हूँ, आप लोग इस वीडियो को अपने 2-4 फ्रेंड को शेयर कीजिए, यहाँ पे आने के बाद मतलब भाई इस धरती को, इस नेचर को गंदा मत कीजिए। और नंबर 2, यहाँ के लोगों के लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यहाँ के लोगों के लिए जो बातें हैं कि आप लोग भैया अपनी धरती को, अपने जंगल को, अपने पर्यावरण को बचाइए, भू कानून की मांग कीजिए, अपनी भूमि को बचाइए, बाहर के लोगों को यहाँ की अपनी ज़मीनें मत बेचिए, यहाँ दबदबा कब्जा मत करने दीजिए, मतलब यही चीज़ है, मेन चीज़ें जो है। और हाँ, जाते जाते लास्ट में दोस्तों मैं ये भी बोलूँगा आप सभी लोगों को, आप लोग देखिए कहीं पे नीड होती है किसी के, जैसे शादी हो गई या फिर अपना मकान बनाने के लिए कहीं पे 1-2 पेड़ चाहिए, जैसे हम पंचायत से पेड़ लेते हैं ना, वो ठीक है पेड़ लीजिए आप लोग, मकान बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर किसी इंसान ने भैया जहाँ पर हम लोग एक पेड़ काट रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग को 10 पेड़ लगानी भी चाहिए, ठीक है 10 पेड़ लगानी भी चाहिए। इतनी सारी जनसंख्या है यार, मैंने परसों भी हरियाणा के दिन भी बताया था, इतनी सारी जनसंख्या हमारे भारत देश में है यार भाई,
150 करोड़ के आसपास में हमारे भारत में जनसंख्या है, सारे लोग भी एक एक पेड़ भी लगाएंगे ना, हमारा हिंदुस्तान अमेजोन का जंगल बन जाएगा भाई। हकीकत बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही है, मैं अकेला इंसान हूँ, आप अकेला इंसान हो, आप जंगल को बचाने के लिए भैया पेड़ लगाने के लिए चलोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में कितने पेड़ लगा पाओगे, 10 पेड़ 15 पेड़ 20 पेड़। अगर आपके गांव में आपके क्षेत्र में भैया अगर 50 लोग हैं 100 लोग हैं, सब लोग भी 2-2 पेड़ भी लगाएंगे तो 100 लोग 200 पेड़ लगा देंगे आपके जंगल में। तो आने वाले 2 से 3 से 4 सालों के बाद आप सोचिए वो 200 पेड़ वो 300 पेड़ भैया कितना विशाल रूप लेंगे और जंगल इतना भयानक बनेगा, कितना अच्छा बन जाएगा भाई। तो जितनी उमस ये गर्मियाँ हो रही हैं और ये ज़मीन हमारी भैया बिल्कुल उर्वरकता इनकी ख़त्म हो चुकी है और फसलें हो नहीं पा रही है, बारिशें हो नहीं पा रही है, मेन रीज़न यही है भू कानून का, जंगल जो कट रहे हैं, जो भूमि कट रही है, इनकी वजह से भैया दिन प्रतिदिन गर्मियाँ बढ़ रही हैं और फसलें बिल्कुल पहाड़ों में हो नहीं पा रही हैं। तो चलिए यार भाई, अपनी मैं इस वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, बहुत लंबी बातें हो चुकी हैं। जिसने भी मेरी अभी तक का मतलब बातें सुनी होंगी, आई होप आपको अच्छी भी लगेंगी और मेरी बातें को समझ में भी आएंगी। अभी तक का सुन रहे हैं आप लोग अपने आप में अच्छे हैं, क्योंकि आप अपने आप में अच्छे हैं तो इसलिए आप मेरी इन सच्चाई वाली बातों को, इन अच्छी बातों को सुन रहे हो भाई। अगर जो यहाँ तक सुन रहा है ना, तो वो इंसान खुद में अपने आप में अच्छा है, क्योंकि वो खुद अच्छा है तो इसलिए अच्छी बातें सुन रहा है भाई। ठीक, अब यार मैं ये तो नहीं कर सकता भैया कि और कितने यार जैसी क्योंकि छपरी बनती भैया, ठीक है, और ऐसी चीज़ें आजकल वायरल भी हो रही है, ऐसी चीज़ें को लोग सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी चीज़ों को लोग सपोर्ट भी करते हैं जो मतलब गंदी टाइप की वीडियो बनाते हैं, ऊटपटांग वीडियो बनाते हैं, गाली गलौच वाली वीडियो बनाते हैं। तो बाकी ना दोस्तों, भैया आप लोगों का सबसे पहले तो काम है भैया इस वीडियो को शेयर करना, तो आप लोगों से मैं केवल बाकी कुछ नहीं मांगता हूँ, शेयर मांगता हूँ। आप लोग गंदी चीज़ों को वायरल करते हो, गंदी चीज़ों को फेमस करते हो, गंदी चीज़ों को शेयर करते हो। तो चलिए यार दोस्तों, भैया ये वीडियो पहले ही मतलब ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा मैं लंबी इस वीडियो को खींचूंगा नहीं। तो एक यार बहुत ज़रूरी हो चुका था भू कानून के बारे में बात करना, तो इसलिए मैंने अपने जो अपनी थिंकिंग थी भाई, जो मेरी अपनी सोच थी, अपनी थिंकिंग थी, तो मैंने उस तरीके से आप लोगों को भू कानून के बारे में बताया। बाकी मेरे को किताबी तौर पे भी मतलब किताबी भाषा के तौर पे भी मतलब भाई पता है भू कानून के बारे में, उस तरीके से मैं परिभाषा जैसी पढ़ लिया जाता, एक टाइटल जैसे पढ़ लिया जाता, तो काफ़ी सारे लोगों के समझ में नहीं आती वो चीज़ें, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से मतलब अपने मन के हिसाब से, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच के हिसाब से कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने हिसाब से आप सभी लोगों को बताया। बाकी देखिए आप लोगों का काम है भाई, आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों ने क्या करना है, क्या चीज़ हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, वो चीज़ आप लोगों को पता है ही वैसे ही। तो इसलिए तो ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी यार, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ भाई, और आप सबसे मिलूंगा दोस्तों एक नया व्लॉग लेके, एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।